तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आप भी इस तरह के फ़ोटो बनाना चाहते हैं तो भाई वीडियो की शुरुआत करना, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इससे पहले गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना गाइस। वीडियो करते स्टार्ट। इसके लिए आपको स्नैपचैट यहाँ पर दिख रहा है, इसको डाउनलोड कर लेना जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो स्नैपचैट को ओपन करते हैं। स्नैपचैट ओपन करने के बाद इसको प्लस के में क्लिक कर देना है। प्लस के में क्लिक करने के बाद फोटो जिस फोटो का बनाना चाहते हो उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। फोटो सिलेक्ट कर लिए। फोटो सिलेक्ट करने के बाद पेंसिल वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, पेंसिल, इस पेंसिल पे क्लिक कर देना है। पेंसिल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो विन ड्राइंग यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा, पर टैप कर देंगे। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे 12 वाला पर टिप के यहाँ पे जैसे फोन जैसा बना हुआ है इस यहाँ पे, इस पर टैप कर देंगे। इस पर टैप करने के बाद जैसे सैचुरेशन वाला ऑप्शन है उसको पूरा फुल कर देंगे। फुल करने के बाद सही वाला आइकन पे क्लिक कर देंगे। सही वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ वाला जो लेयर वाला जो बना हुआ है यहाँ पे, इस पर टैप कर देंगे। इस पर टैप करने के बाद नीचे में जो लेयर वाला बना हुआ है यहाँ पे, इस पर टैप कर देंगे। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे जो है बना हुआ बिट बिट ट्रैक यहाँ पे क्लिक करके यहाँ ब्रश वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस ब्रश पे टैप कर देंगे। ब्रश पे टैप करने के बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इस पे टैप करेंगे। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे घुमा लेंगे, इसको पूरा कम कर देंगे। कम करने के बाद इसको ऐसे से घस के पूरा वीडियो को पहले साफ कर लेंगे, फोटो को पूरा अच्छी तरह से। तीर वाला बना हुआ है, यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद फिर से हम पेंसिल वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पेंसिल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा डुबलेट एक्सपोजर, इस पर टिक टैप कर देंगे। इस पर टैप करने के बाद फोटो वाला पे क्लिक करेंगे। फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको जिसमें मटेरियल जो यूज़ कर रहा है आपको सिलिंग मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पर सिलेक्ट कर देंगे। इस पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ जो फोन जैसा एक बना हुआ है इस पर टैप करेंगे। इस पर टैप करने के बाद जो लाइटन वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है इस पर टिप करके सही के आइकन पर क्लिक कर देंगे। सही के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ ऊपर जो लेयर वाला बना हुआ है लेयर वाला पर टैप करेंगे। लेयर पर टैप करने के बाद नीचे में यहाँ पर लेयर बना हुआ है पे टैप कर देंगे। इस पर करने के बाद यहाँ पे टैप कर देंगे फिर से। इस पर टैप करेंगे। इस पर टैप करने के बाद ब्रश वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ब्रश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से टैप कर देंगे। यहाँ पे जो नीचे से बना हुआ है इस पर टैप करके इस पर टैप करेंगे। इसको पूरा कम कर लेंगे। कम करने के बाद जो आपको फेस पर जहाँ पर आया हुआ है उसको पूरा रिमूव कर देंगे। इतना हो जाने के बाद सही वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर से यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद फिर से पेंसिल वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पेंसिल पर टैप कर दें। पेंसिल पर टैप करने के बाद फिर से यहाँ पे इस पर उस बार टैप कराए थे डुप्लेक्स, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे, फिर से पिक्चर पर क्लिक करेंगे। इतना कर लेने के बाद फिर से फ़ोटो पर जाएंगे। फोटो पर जाने के बाद आपको लेयर वाला सेलेक्ट कर लेना होगा। आपको दे देंगे लिंक नीचे पर, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर टैप कर दिए। इतना कर देने के बाद फिर से ये फोन वाला जो बना हुआ है आप यहाँ पे दिख रहा है, इस पर टैप कर देंगे। इस पर टैप करने के बाद इस बार ओवरले जो यहाँ पे दिख रहा है ओवरले यहाँ पे, इस पर टैप कर देंगे। इस पर टैप करने के बाद सही पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सही पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो एक लेयर वाला बना था आपको बताए थे इस पर टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद फिर से यहाँ पे टैप कर देना है। इस पर टैप कर देंगे। इस पर टैप करने के बाद फिर से इस पर क्लिक करेंगे। टैप कर देंगे। इस पर करने के बाद फिर से ब्रश वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ब्रश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे
जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इस पर, इसको ध्यान से इसको टिक कर लेना गाइस। इस पर क्लिक करने के बाद इसको पूरा कम कर लेना है। कम करने के बाद फिर से जाना है, उसको फेस पर से पूरा सा साफ कर लेना है। हाली हाली इसको रिमूव कर देते हैं इसका कलर। इतना कर लेने के बाद गाइस आपको सही वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सही वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ये वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फिर से ये वाला पेंसिल वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। पेंसिल पे क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पे डोरी वाला जो आपको यहाँ पे बताया था, इस पर फिर से टैप कर देना है। टैप करने के बाद फिर से फोटो वाला जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, फोटो वाला, इस पर टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद फिर से आपको एक लिंक लेना है। यहाँ पर जो पिक्चर आपको जो बोले थे आपको लिंक में मिल जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर से फ़ोन वाला जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, इस पर टैप कर देंगे। पर टैप करने के बाद फिर से लाइट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके सही वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर से यहाँ पे ऊपर जो लेयर वाला बना हुआ है इस पर टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद फिर से यहाँ पे जो बना हुआ है इस पर टैप कर देना है। इस पर टैप करने के बाद फिर से इस पर क्लिक करके ब्रश वाला ऑप्शन फिर से क्लिक कर देना है। ब्रश पर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर क्लिक करके इसको पूरा कम कर लेना है। कम कर लेने के बाद यहाँ पर फेस पर आया हुआ इसको रिमूव कर लेंगे। फेस पर ऑप्शन पे क्लिक कर देना। हमारा फोटो बन के हो चुका है गाइस तैयार। उसके बाद फिर यहाँ से बैक आना है। इतना कर लेने के बाद फिर से पेंसिल पे क्लिक कर देना। पेंसिल पे क्लिक करने के बाद पोर्ट्रेट यहाँ पे दिख रहा होगा, एज पोर्ट्रेट, इस पर क्लिक कर देना। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे देख रहा है स्मॉथ टू, स्नैप टू पर टैप कर देंगे। इस पर टैप करने के बाद फेस स्पोर्ट से हाई जो है इसको अपना हिसाब से कर बढ़ा लेंगे। इसकी स्मूथ है इसको भी अपना हिसाब से बढ़ा लेंगे। इतना कर लेने के बाद आपका फोटो बन के हो चुका है गाइस तैयार। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इतना कर लेने के बाद यहाँ पे सेवल ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ सेवल ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है सेवल, इस पर टैप कर देंगे और यहाँ से सेव कर लेंगे। टैप करके फोटो सेव कर लेंगे।